अल्लाह के आगे रो रो के गिड़गड़ा के मेरे लिए दुआएं मांगे और अल्लाह ताला मुझे अपने हबीब के सदके। कितने जने लगे हैं? वो छोटे नोट नहीं है। मुझे तो भाई पता लगता है कि 5.6 लाख है ये। हाँ बिस्मिल्लाह। वीआईपी प्रोटोकॉल पढ़ने लगा है, वीआईपी प्रोटोकॉल। चलो भाई फैन मोमेंट हो गया भाई। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरासी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त रामिश रिजवान रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पैकिंग भी कल्ले सानू छड़ के जा रहे हो। कैश दे वो यार इसको जाए। पासपोर्ट मेरा दो, आईडी कार्ड ठीक है, और साथ में मुझे कैश दो। दिल तो नहीं कर रहा खैर, लेकिन भाई होने के नाते मम्मी जी दे दें क्या? कैश दे दें? नहीं डॉलर दे दें, आपका हुक्म होएगा तो। वैसे हमारा दिल कोई नहीं है देने दूने का। आप आईडी कार्ड भी इसी में है। लो जी इधर डाल देता हूँ। बाबा दे यार पैसे दे, फारक करो। सबसे पहले जाके पैकिंग दिखा दें। हाँ पैकिंग दिखाओ ना, होगी कम्प्लीट। हाँ जी चलो वेरी गुड भाई। ये पावर बैंक है, ये रखना है। चलो अभी मैं के साथ बाबा जी। बस एक चाहिए। हाँ ये कोई एक कपड़ा मुझे चाहिए, रख लूँ मैं? नहीं दे देते हैं बाबा आपको दूल्हे पे। बाबा पन्ने कपड़े दे देना भाई, एक देना बस, एक चाहिए। सलार सोया पड़ा। चलो देखिए थ्री स्विच वगैरह हर चीज़, एक मैंने अपने वाला बड़े वाला चार्जर रखा है लेके ठीक है, और एक आईफोन का रखा है। ठीक हो गया ना? थैंक यू सो मच बाबा जी। हर चीज़ हमारी आ चुकी है और फाइनली मैं आपको बता देता हूँ मम्मी के पास जाके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब मैं आप सबको, बल्कि मैं नहीं अम्मी बताती हैं कि अम्मी मुझे कहाँ भेज रही हैं और मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को पता ही है कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं और किस आजमाइश से गुजर रहे हैं। आप सब लोग कहते हैं कि आप अम्मी को उमरा करवाएं, तो आपको पता है कि मैं अब इसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उमरे पे जा सकूं। तो मैंने अपनी जगह पे रामिश को भेज रही हूँ कि ये जाए मेरे लिए उमरा करे और मेरे लिए ढेरों दुआएं करे और उन सब मुसलमानों के लिए और उन सब मरीजों के लिए दुआ करे जो जिस जिस बीमारी में भी मुब्तला हैं या परेशान हैं। अल्लाह ताला उनकी इस परेशानी से उनको आज़ाद करे, उनकी बीमारी को परेशानी को दूर करे। मैं भेज रही हूँ रामिश को ताकि मेरे लिए जाके ढेरों दुआएं, अल्लाह के आगे रो रो के गिड़गड़ा के मेरे लिए दुआएं मांगे और अल्लाह ताला मुझे अपने हबीब के सदके इस बीमारी से, इस परेशानी से मुझे निजात दे दे। आमीन 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी इस बीमारी की वजह से नहीं जा सकी, तो आप लोगों ने दुआएं करनी है कि अल्लाह मुझे दोबारा से वैसा ही कर दे, ठीक कर दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने हज भी करना है, उमरा भी करना है, मैं अपने पांव पे दोबारा से खड़ी हूँ और मैं अल्लाह के घर जाऊँ, अल्लाह के रसूल के घर जाऊँ और वहाँ जाके अल्लाह से ढेरों दुआएं मांगू। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपने उमरा किया हुआ है राज जी, दोबारा फिर करेंगे आप इंशाल्लाह। पहले हमने उम्र किया था पूरी फैमिली के साथ, अभी तो रिसेंटली 2022 में किया ना। हाँ जी सबने पहली बार और सबने भी फैमिली इकट्ठी। आप खैर से जाओ, अल्लाह पाक आपके लिए सानिया करे सफर में और ढेरों ढेरों दुआएं आपका, बल्कि टाइम बहुत सारी मेरे लिए दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें हासदों से, दुश्मनों से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें हर मुश्किल से वो कर दे, आज़ाद कर दे। हम पे जो आजमाइश है या जो मुश्किल, अल्लाह ताला हमें इसमें से निकाल दे मेरे मौला। आमीन आमीन आमीन। आप अल्लाह बड़ा बेहतर करेगा। आप ये देखो कि अल्लाह ने कितनी जल्दी मेरा ये प्लान, एक दिन के अंदर मेरा टिकट्स सुबह की है हमने, सुबह मैंने टिकट्स की है, कल मेरा सुबह ही वीजा आया है, उसके 15-20 मिनट बाद मैंने टिकट्स कर ली थी। मैंने कल ही रामिश को कहा बेटा आप जाओ मेरे लिए उमरा करके आओ, तो एक दिन के अंदर अंदर सारा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया हर चीज का। आपने दुआ करनी है कि खैर वाफियत के साथ इनका सफर गुजरे और खैर वाफियत के साथ ही अपना उमरा
अदा करके वापस इंशाल्लाह। वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है, वो एयरपोर्ट चलते हैं। 8:50 की हमारी फ्लाइट है। वो जो मेरे साथ जा रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, आप आपसे एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी और मैं आप सबके लिए ढेरों दुआएं करूंगा इंशाल्लाह। और बेफिक्र रहना और वहां से जो जो कुछ चीज आपको चाहिए मुझे बताना। बस मेरे लिए पानी लेके आना है। पानी तो आपके लिए वालदा पानी खत्म होने दिया नहीं, मेरे व्यूअर ने बहुत पानी भेजा मेरे पास, बहुत चीजें भेजी हैं। अब मैं अभी भी वही पानी आप जमजम ही ले रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत में बेहतरी आ रही है आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी भी। अब बारी है असल काम की। लो बेटा आप भी गए लो, दो चार सारे लो फिर ये थोड़ा दो। आप कैमरे के सामने कह देते हो बाद में आपने मुझसे ले लेने, आप रे कह रहे तेरे से गवाच जाने मुझे वापस कर दे। 2000 पहले पीकेआर में करना, पीकेआर में बनते हैं यूएसटी टू पीकेआर 5.5 लाख रुपए, $2000 5.5 लाख रुपए बनते हैं। अपना और बेटा अपनी चीजों का ख्याल रखना, किसी से कुछ चीज लेके नहीं खानी जहाज में और वहां पे भी ख्याल रखना। टॉफी दे लीन लेनी, ठीक हो गया बाबा जी? दें यार, कितने जने लगे हैं? वो छोटे नोट नहीं है। मुझे तो भाई पता लगता है कि 4.5 लाख है ये। हाँ तकरीबन, वैसे नहीं समझ आती। मुझे नहीं वैसे नहीं समझ आती बाबा, छोटे का नोट दे दो ना बोझी। हाँ बोझी ये हैं कितने वैसे दिखाना, एक एक मिनट दिखा, हाथ में भी नहीं पकड़ रहे बाबा आप पैसे। लो 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 भाई, लो भाई गुस्सा हो रहे हैं भाई। है मेरा कोई नहीं इसमें लेन देन, बाबा किसके हैं मेरे? कोई मालिक नहीं तैयार, कोई ये किसी को साबित नहीं कर रहा कि ये किसके पैसे हैं। पैसे है ना, ये हर बंदा मालिक बनता है। मैं कह रहा हूँ मेरे हैं, रामेश भाई कह रहे हैं, रामेश भाई के हैं। सार बाबा से तो मिल लो जान। अच्छा उसके बाद अली भाई जी, बहुत जी आपको एयरपोर्ट पे नहीं जरूरत। पापा किस ना जब पैसे गिर रहे हैं, पापा देख रहे थे यार मुझे देके जाना। डॉलर मैंने नहीं दिए, तुझे देके जाओ। ये बाकी मैं अपने पास रख रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके 11, 12, 14 लगाओ। 14,000 मैं अपने पास रख रहा हूँ। शाहरुख बिल्ला जी, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं, जाने लगा हूँ और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मेरा प्लान बन गया। हाँ जी खलास। तो अंदर वाला खराब हो रहा था, सड़क गया था, ब्रेक ही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से देख यार आराम से। ठीक है मेरे अल्लाह के हवाले, अल्लाह का ख्याल रखना। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही है इसी तरह होती रही हो, वो ना बीच में गड़बड़ाई ना करियो। मैंने करनी है गड़बड़? हाँ गड़बड़ ना करियो। अगर हो ना पॉसिबल तो मैं आपको वीडियो कॉल पे लूंगा उम्रा करते हुए, ठीक है ना? ओके ख्याल रखना अपना। बाय बाय। बाबा दूर जा रहे हैं आपके लिए, कुछ लेते आएंगे, कुछ लेते आएंगे। मैं मई लो मई, आप भी बाहर जा रही हो मैं? चलो ठीक है आ जाओ। अबे भाई 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 गाड़ी वहां पार्किंग में खड़ी होनी है, देने तो अम्मी और को पकड़ा दो। बढ़िया राजा ये अपने पास रख ले। चलो जी सफर के सफर की दुआ पढ़ लेते हैं जी। हम जी दोबारा वापस घर आ गए हैं। किस लिए हेल्प है? डॉलर उठाने और पहले वही पकड़ाए हैं, फिर दोबारा उठाने के लिए आ गए। और रामी भाई ने ना वहाँ कुछ चीजें लेनी है इस वजह से।
ठीक है, बाय 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 बाय। मेरा मियां मिट चुका है ओके, क्योंकि भाई बात यह है क्योंकि हम वहाँ पे हमने होटल भी बुक अभी नहीं किया, होटल भी हमने जाके बुक करना है, तो इसलिए अगर वहाँ से कार्ड से पेमेंट करनी पड़ जाए तो कार्ड पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, तकरीबन 10-12% टैक्स लग जाता है। बिल्कुल, अगर आपने 1,00,000 रुपये की पेमेंट करनी है तो आपको 1,20,000-1,22,000 रुपये भरने पड़ते हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए एहतियातन मैंने कहा पैसे थोड़े ज़्यादा ही रख लेता हूँ। क्या कहते पापा, ये वॉलेट में डाल दो, कितने हैं ये? जितने पहले थे उतने आप हैं। ठीक है, 4,000। ओके, गुड, इनफ है, इनफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रखो, तूने पहले कहाँ डाले हुए? पहले गुप्त किए हुए। अभी कितने टोटल आप लेके जा रहे हो? ये ना पूछा कर ली, ये लो। जैसे जैसे भाई सफर करीब आता जा रहा है, जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही है, मेरे दिल की धड़कन थक 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 कैसे हो रहा है। ये एक जिम्मेदारी है, ये कोई इंजॉयमेंट तो नहीं है जो मैं रिलैक्स हूँ, ये एक जिम्मेदारी है जिसको आपने पूरा करना है बेशक। तो और अल्लाह इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है तो उसको पूरा करना, तो ये बात है ना। तो बस भाई एयरपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं, तो जैसे ही अंदर एंटर होते हैं फिर बाकी सारे मामलात सारी गुफ्तगू शनीद फिर करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो जी चलो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई का यही बैग है, सलीम भाई यही है, बस सलीम भाई के पास है यही है। अच्छा चला गया, मैंने अभी तक सरप्राइज रखा हुआ था, मैंने बताया नहीं था कि कौन कौन जा रहा है, तो भाई वन एंड ओनली, वन एंड ओनली सलीम भाई और मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, जाओ खैर से जाओ, ओके बॉस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके जी, ओके जी, बाय बाय। वीआईपी प्रोटोकॉल पढ़ने लगा है, वीआईपी प्रोटोकॉल। क्योंकि भाई सलीम भाई की माशाल्लाह से काफ़ी जान पहचान है, अंदर पुलिस वाले हो गए या जितने भी यहाँ पे स्टाफ होते हैं ना, वो सलीम भाई का जाने वाले, तो यूं 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 काम होगा इनका। भाई रश बाबा है, भाई लोगों को हमने छोड़ दिया है, सलीम भाई जा रहे थे भाई के साथ और रामेश भाई जाएंगे, इंजॉय करेंगे अपना, उमरा करेंगे सुकून से। अभी बाबू और मैं चलते हैं भाई घर को, हमारा काम ख़त्म हो गया। चलो जी भाई, आप लोग आपस की बात है, सारे बताओ ये कहाँ से एयरपोर्ट लगता है। यार चलो जी, वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई फैन मोमेंट हो गया भाई, अच्छा जी रामेश भाई को ड्रॉप करके हम आ चुके थे घर, आपने ढेरों ढेरों दुआएं करनी है कि रामेश भाई खैर व आफियत से जिस मुबारक सफर पे जा रहे हैं अल्लाह पाक इनको खैर व आफियत से पहुंचाए, और जो भी वहां पे रामेश भाई सलीम भाई इबादत करेंगे अल्लाह पाक वो भी कबूल फरमाए, और जितने मुसलमान बहन भाई तकलीफ में हैं उनकी अल्लाह पाक सब तकलीफें दूर फरमाए, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। आप सब ने हमारे लिए भी ढेरों ढेरों दुआएं करनी है, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, छोटी छोटी खुशियां बांटते रहिएगा। मुझे और भाई रामेश को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।